गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आवर चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अब डिफरेंट काइंड किस तरीके के है, बिफोर वी रीड लेट अस थिंक अबाउट सम वर्ड्स। डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रंच, क्रपल, ऑनर, misfortune, system. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. जैसे कि पिक्चर आपने देखी होंगी इस बुक चैप्टर की, एंड इन वर्ड्स के बारे में सोचो थोड़ा सा कि ये स्कूल डिफरेंट क्यों था बाकी स्कूल से। लेट अस कम टू द स्टोरी नाउ। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल। बहुत सुना था मैंने मिस बीन के स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट देयर। बट टिल लास्ट वीक जब मेरे को चांस मिला वहां पर विजिट करने के लिए, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी was being led carefully between the flower beds by a little boy. जब मैं वहां पर पहुंचा, अब वो बता रहा है जब उसने विजिट किया वहां पे, तब तक उसने बहुत सुना था स्कूल के बारे में, लेकिन अब उसको एक चांस मिला था वहां पर विजिट करने का। तो उसके बाद उसके क्या व्यूज थे उसके बारे में उसने इस चैप्टर के थ्रू बताया है। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने वहां पर उसको कोई नहीं दिखाई दिया, सिर्फ जैसे ही वो साइट पर पहुंचा एक लड़की थी 12 इयर्स की, जिसने अपनी आंखों को क्या है कवर्ड किया हुआ था, बैंडेज मतलब पट्टी बांधी हुई थी। शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, और वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, जिस तरह से हम लोग कॉर्नर्स में रो बना देते हैं फ्लावर्स की, तो वो बेड टाइप में इस तरह से था। वहां से एक बच्चा बाय अ लिटिल बॉय, एक लड़का भी था उसके साथ, हु वॉज अबाउट 4 इयर्स यंगर, जो 4 साल का होगा। She stopped and it looked like she asked him who had come. वो रुक गई एकदम से और फिर उसने उस बच्चे से पूछा कि who had come, कौन आया है। He seemed to be describing me to her. और फिर मुझे लगा कि वो बच्चा जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है मेरे बारे में। Then they passed on और फिर वो वहां से चले गए। Miss Bean was all that I had expected. फिर जब वो पहुंचे मिस बीन के पास, तो जैसा उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वो बिल्कुल ऐसी ही थी, मिडिल एज्ड थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी उनके पास थी, इट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही दयालु और अंडरस्टैंडिंग नेचर की थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और मिडिल एज थी तो उनके बाल जो मतलब यंग एज में आपके ब्लैक हेयर्स होते हैं, वो धीरे धीरे जो है वो ग्रेश होने जा रहे थे, मतलब ये कुछ व्हाइट और कुछ ब्लैक इस तरह से। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। एंड जो फिगर था उसका वो प्लेजेंटली फैट था, मतलब ये थोड़ा भारी था, मोटी थी वो थोड़ी सी, and that is likely to be comforting to a homesick child. और उन बच्चों के लिए वो बहुत ही comforting उसमें थी, क्योंकि बच्चे जब देखो थोड़ा सा aged होते हैं तो बड़े ही kind और understanding person के पास अपने हर questions रखते हैं, तो बच्चों को समझने के लिए जो homesick है मतलब कि अपने घर से दूर रहते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही काफी comfortable थी। I asked her some questions about her teaching methods. फिर मैंने उससे पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड के, विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल। और जब मैंने उनको सुना तो वो बहुत सिंपल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। ऐसा ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती इन बच्चों को समझाने के लिए। सिंपल स्पेलिंग हम सिखाते हैं इनको, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, जस्ट सिंपल नॉर्मल चिल्ड्रन सीखते हैं, ओनली दिस टाइप ऑफ हेल्प वी आर गिविंग देम। वही सेम चीज ये लोग भी सीखते हैं। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम बाय
एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। बाकी का जो है वो रीडिंग जब करते हैं, और जो हम उसके बाद रीडिंग के बाद जो हमारी टॉक्स होती हैं उसमें ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और उस टाइम पे जब इंटरेस्टिंग टॉक चल रही होती है उस टाइम पे ये लोग बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस बैठकर उसको सुनते हैं, और इनके हैंड्स जो है वो क्वाइट, मतलब कि कोई भी ऐसा शरारत नहीं करते, बिल्कुल विद इन दे आर इन द डिसिप्लिन। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और ऐसा कोई लेसन नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। स्कूल के अंदर का जो रियल एम है वो क्या है, नॉट सो मच टू टीच थॉट, ज्यादा थॉट्स न टीच करके थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एक तो दूसरों के लिए आपको काइंडनेस होना बहुत जरूरी है, ये हम उनको सिखाते हैं, दूसरा है रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होना, मतलब कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला, अवेयर होना कि मेरी ड्यूटीज क्या हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट। फिर बात करते करते उसने विंडो की तरफ हाथ किया और वहां से उसने कहा कि लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, थोड़ी देर आप बाहर देखो विंडो से, देन बेटर यू विल अंडरस्टैंड। विल यू, क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। जब मैंने उससे विंडो से बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा गार्डन था, प्ले ग्राउंड था, जिसके अंदर बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। वट डू यू सी, क्या देखा तुमने? मिस बीन आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, बहुत ब्यूटिफुल ग्राउंड है, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, इट पेन्स मी दो, और बहुत जॉली चिल्ड्रंस भी हैं जो मुझे मतलब कि थोड़ा दर्द दे रहे हैं, क्योंकि दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, क्योंकि सभी मुझे वो हेल्दी नहीं नजर आ रहे और एक्टिव लुकिंग नहीं आ रही हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आ रहा था, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, और जब मैं अंदर भी आ रहा था तो मैंने इसी तरह से एक लड़की को भी देखा था, शी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, उसको अपनी आंखों में कुछ शायद प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, दो और बच्चे हैं जो सेम इसी तरीके की कंडीशन में हैं, एंड देयर इज अ गर्ल विद अ क्रंच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और एक लड़की वो दिखाई भी दे रही है जिसको क्रंच मतलब कि चलने में प्रॉब्लम, वो चल नहीं सकती, तो शी सीम्स टू बी अ होपफुल क्रिपल, वो मुझे एक होपफुल क्रिपल लग रही है, मतलब कि लग रहा है बच्चे को कि होपलेस हो जाता है कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगी। मिस बीन बीम लाफ्ट, मिस बीम ने हंसना शुरू किया। ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। तो मिस बीन ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज नॉट रियली लेम, वो जो है वाकई में ऐसी बात नहीं है कि ये अनहेल्दी है, मतलब कि ये चल नहीं सकती, द अदर आर ऑल्सो नॉट ब्लाइंड, और दूसरे बच्चे भी जो हैं वो ब्लाइंड नहीं है, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ इनका एक ब्लाइंड डे है, मतलब कि वी हैव गिवन सम एक्टिविटीज टू देम, इनकी एक्टिविटीज हैं जो इनको पूरी करनी होती हैं पूरे दिन में। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, तो मुझे एकदम से आश्चर्य हुई ये कैसी एक्टिविटीज हैं। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और उसके ऊपर उसने फिर से हंसा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये बहुत जरूरी पार्ट है हमारे सिस्टम का, टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, बिकॉज हम अपने बच्चों को जो हम स्टोरीज सुनाते हैं या बताते हैं उससे बच्चों को बेटर है कि हम वो इस तरह की एक्टिविटीज दें, सो दैट कि चिल्ड्रन शुड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून।
वो उसको समझ सकें और उसको अप्रिशिएट कर सकें कि ये प्रॉब्लम होने के बाद भी वो लोग किस तरह से जीते हैं. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. पूरे टर्म के अंदर हर एक बच्चे को ये एक दिन मिलता है जिस दिन वो ब्लाइंड डे होगा उसका. वन लेम डे होगा, वन डेफ डे होगा, वन इंजर्ड डे होगा एंड वन डम डे होगा. तो इस तरह से हर किसी को ये महसूस करने का मौका मिलता है क्योंकि पूरे उसमें इनको ये एक्टिविटीज जो हैं ये मिलती हैं. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पे. एक ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे जब इनका ब्लाइंड डे होता है उनको एक बैंडेज एब्सोल्यूटली बांध दी जाती है और ये उनका ऑनर होता है कि वो कभी भी चिटिंग नहीं करते. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. और वो पट्टी जो है वो रात को ही बांध दी जाती है सो देट कि जब वो उठेंगे तो वो महसूस करेंगे कि जब एक ब्लाइंड पर्सन उठता है तो क्या मतलब कि वहीं से वो उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. और उसको वहां पे पता चलता है कि उनको हेल्प की जरूरत होती है और दूसरे बच्चों को भी ये ड्यूटी दी जाती है कि आपको ऐसे बच्चों को हेल्प करनी है, उनको लीड करना है. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. और इस तरीके से वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर. ब्लाइंड पर्सन भी समझ पाता है और जो हेल्प कर रहा है वो भी समझ पाता है. देयर इज नो मिजरी अबाउट इट. मिजरी मतलब कि ऐसी कोई डिफिकल्टी या अनप्लेजेंटनेस नहीं है इसमें. मिस बीन कंटिन्यू. Everyone is very kind. सभी बहुत दयालु हैं. And it is really something of a game. और ये एक गेम की तरह भी है इनके लिए. Before the day is over, जैसे ही डे खत्म होगा, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. और जब ये दिन खत्म होता है, पूरी एक्टिविटी ये लोगों ने की होती है, तो ये समझ पाते हैं कि वाकई में thoughtless हो जाते हैं ये लोग कि किस तरीके से वो इंसान अपनी जिंदगी जीता है. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. जो ब्लाइंड डे होता है वो सबसे बुरा होता है. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट. बट कुछ बच्चे एक एक्टिविटी होती है जिसमें बोलना नहीं होता तो बच्चे कहते हैं कि वैसे तो ब्लाइंड डे है लेकिन डम डे उससे ज्यादा डिफिकल्ट है. We cannot bandage the children's mouth. क्योंकि उसके मुंह को तो हम बांध नहीं सकते. So they really have to exercise their will power. यहाँ पर उनको exercise करनी पड़ती है will power की. क्योंकि उनकी ये activity जो है, इसके अंदर अगर उन्होंने cheating किया, अगर dumb day वाले दिन उन्होंने बोला, तो उनकी वो activity जो है, वो cancel हो जाती है. मतलब कि वो fail हो जाते हैं उसमें. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. बजाय इन बातों को करने के, चलो गार्डन में चलते हैं और इन बच्चों ये फील क्या करते हैं ये बच्चे इन एक्टिविटीज से, हम खुद ही जाकर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. तो मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल. मिस बीम जो थी वो मुझे एक लड़की के पास लेकर गई जो इसको आंखें जो थी बांधी हुई थी, बैंडेज की हुई थी. हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. मिस बीम ने जाके इंट्रोड्यूस किया, उस लड़की को बताया कि एक जेंटलमैन आए हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं, और वो वहां से चली गई. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने उस लड़की से शरारती अंदाज में पूछा, क्या तुम कभी भी छुप कर मतलब कि चिटिंग नहीं करते? ओह नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया. इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. यू कांट सी अ थिंग. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Oh no! अगर मैंने थोड़ा सा भी पट्टी हिला के या देखने की कोशिश की तो वो एक cheating हो जाएगी. But I had no idea it was so awful to be blind.
और मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड होना इतना बुरा है, क्योंकि तुम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। और हमेशा फील होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी पैर बढ़ाया या मैं थोड़ी सी भी हिली तो ना जाने मैं किससे टकरा जाऊंगी। सो इट्स सच अ रिलीफ, और रिलीफ मिलता है जब हम बैठ जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने ठीक है एक अपने लिए एक सेफ कॉर्नर देख लिया और वहां पर मैं बैठ गई और अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, क्या तुम्हारे हेल्पर्स जो हैं वो तुम्हारे लिए मतलब कि पूरी हेल्प करते हैं, क्या वो काइंड हैं तुम्हारे साथ? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज माय टर्न। दोस दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गेजली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। अब वो कहती है फेयरली, होते तो हैं बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी। लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं होते जितनी मैं होती हूँ जब मेरी टर्न आती है। दोस दैट दे हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। लेकिन जिन्होंने ये एक्टिविटी पहले कर ली है उनको ये महसूस है कि हाँ ये एक्टिविटी कितनी डिफिकल्ट है, वो ज्यादा बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। और परफेक्टली इसमें गेस्टली होता है मतलब कि ये एक्टिविटी जो होती है इसके अंदर हम लोग अपने आप से ही ये वो करते हैं कि एक्टिविटी को पूरी ईमानदारी से करेंगे एंड नॉट टू सी, हम देखेंगे नहीं। आई विश तुम भी एक बार ट्राई कर देखना। शेल आई लेग यू एनीवेयर? फिर उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं पर तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें मतलब कि जाना है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। उसने कहा बिल्कुल, क्योंकि चलो हम थोड़ी सी ना एक लिटिल वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और तुम मुझे चीजों को बताओगे। आई शेल बी सो ग्लैड, और मुझे बहुत खुशी होगी जब ये आज का दिन जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि देन आई कैन सी इट बाय माई ओन आइज। द अदर डे, अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और दूसरा कोई दिन इससे आधा भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज मेरे को नहीं लगता कि इतनी बैड होगी जितना कि एक ब्लाइंड होना होता है। हैविंग ए लाइट टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज ऑलमोस्ट फन। पैरों को बांध कर जो मतलब कि बच्चे चल नहीं सकते उस तरीके का वो एक ऑलमोस्ट फन होगा आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन जब हाथ बांध देंगे वो शायद थोड़ा सा ट्रबल सम होगा, बिकॉज यू कॉन्ट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम खा नहीं सकते बिना किसी की हेल्प के। एंड थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मुझे उसमें भी माइंड नहीं है जब एक दिन होगा कि आप सुन नहीं सकते, एटलीस्ट नॉट मच, इतना नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन जो ब्लाइंड होना है ये सबसे ज्यादा इंसान अपने आप से लड़ता है इसके अंदर। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो गया है ये सोचकर, वरी कर करके कि आई गेट हर्ट, कि मैं कहीं पर गिर ना जाऊं, किसी से टकरा ना जाऊं या कुछ हो ना जाए। और मैं कहाँ पर हूँ? इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा तुम प्लेग्राउंड के अंदर हो। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, और हम हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो सोचो मत, आई एम हेल्पिंग यू। मिस बीन इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीन जो थी वो अप एंड डाउन मतलब कि गार्डन के अंदर घूम रही थी विद अ टॉल गर्ल, एक टॉल लड़की के साथ। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, माय लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरा जो एक छोटा दोस्त था उसने पूछा कि व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है? अ ब्लू कॉटन स्कर्ट
एंड अ पिंक ब्लाउज. एक पिंक ब्लाउज मतलब कि टॉप जो है उसका पिंक है एंड नीचे स्कर्ट जो ब्लू कलर की. आई थिंक इट्स मिली, क्योंकि वो ब्लाइंड उसका वो था, तो उसने पूछा जैसे ही कि भाई उस बच्ची ने पहना क्या हुआ, तो देन आई विल गेस कि कौन है. तो उसने कहा वो मिली है. शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है. वेरी लाइट. आई सेड यस दैट्स मिली. और बालों के हेयर से कल हेयर्स का जब उसने कलर पूछा तो उसने कहा कि लाइट कलर है, तो उसने कहा कि वो मिली ही है. शी इज द हेड गर्ल. मैम जिसके साथ घूम रही है वो हमारी हेड गर्ल है. देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. फिर मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी भी है जो रोजेस को टाइंग कर रहा है, देख रहा है. यस दैट्स पीटर. ही इज द गार्डनर. वो पीटर है, वो गार्डनर है हमारा. ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. वो 100 साल बूढ़ा है. एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर. क्योंकि बच्चे हैं उनको तो ऐसा ही लगता है, तो इसीलिए उसने कहा 100 ईयर्स ओल्ड. एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली हेयर. और अब जो है हमारे सामने से एक कर्ली रेड हेयर वाली लड़की आ रही है. शी इज ऑन क्रंचेस, मतलब कि उसको एक्टिविटी मिली हुई है कि चलने में प्रॉब्लम है. तो वो कहती है दैट्स अनीता. वो अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन. इसी तरह से हम मतलब कि हमने वॉक किया. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. जब मैंने उनके साथ घूमा, जो मैंने देखा डिस्कवर की, मतलब कि उन सब से जो मैंने आइडिया पूरा लगाया, तो 10 times मोर थॉटफुल. तो अब मेरे पास और भी उस स्कूल के बारे में कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे. दैट मतलब कि मुझे इतना वो अच्छा लगा कि अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स. अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि पीपल्स को अगर किसी के बारे में तुम्हें किसी थिंग के बारे में अगर बताना है, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. तो ये मेरे लिए एक ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब फाइनली मेरे को वहां से जाना था, आई टोल्ड मिस बीन दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाना, बिकॉज यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग है हर चीज़ को समझाना, समझाने का तरीका, और ये बच्चों को हर एक एक्टिविटी, मतलब कि वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ. आह शी रिप्लाई देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. फिर उसने कहा कि शायद मेरे सिस्टम में ही ऐसा कुछ है. सो दिस इज द स्टोरी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. And if you like it or any word you want to tell, send me in the comment box. Thank you.